एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस एंड यू। हमारी बात बहुत सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर के साथ होती है और उनमें से 90% से ज्यादा लोगों का एक डाउट जरूर होता है, फंड तो रेज करना है पर किस वैल्यूएशन पे करें। अगर आपका भी एक स्टार्टअप है और अगर आप भी इस दुविधा में हैं कि आपके वेंचर का सही वैल्यूएशन क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगली बार आप जब भी किसी इन्वेस्टर को फेस करिएगा तो आप कॉन्फिडेंटली अपने स्टार्टअप के लिए सही वैल्यूएशन पे फंड रेज कर पाइएगा। हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं। पहला, ये वैल्यूएशन की टेक्निक सिर्फ सीड फंड या सीरीज ए फंड के लिए है। दूसरा, ये टेक्निक सिर्फ उन स्टार्टअप्स के लिए है जो ऑपरेशनल है, मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है जो ऑपरेशनली प्रेजेंट नहीं है तो ये टेक्निक आपके लिए नहीं है। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट डाल दीजिए एंड वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। एंड फाइनली, वैल्यूएशन का रेंज और अमाउंट बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि फाउंडर्स का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ वैल्यूएशन इनसाइट फॉर SaaS स्टार्टअप्स। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स कैन बी लॉजिनेक्स एंड हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर लाइक टॉकडॉक एक्सेट्रा। एक SaaS सॉफ्टवेयर का वैल्यूएशन दो तरह से होता है, नंबर ऑफ पेड यूजर्स एंड टोटल रेवेन्यू। ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक सॉफ्टवेयर SaaS प्रोडक्ट की वैल्यूएशन के लिए। अगर आपका SaaS प्रोडक्ट के 100 से ज्यादा कंपनीज पेड यूजर है जिनसे आपको मंथली रेवेन्यू 5 लाख के आसपास यानी 5000 रुपीज का रेवेन्यू पर कंपनी पर मंथ आता है, यानी अबाउट 60 लाख का एनुअल रेवेन्यू, तो आपका वैल्यूएशन 10x से 15x ऑफ एनुअल रेवेन्यू के बीच में हो सकता है, यानी 6 करोड़ से 9 करोड़ के बीच में। अगर आपका रेवेन्यू डॉलर्स या यूरो में है, यानी आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो ये वैल्यूएशन 20x तक जा सकता है ऑफ एनुअल रेवेन्यू, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़। कुछ और फैक्टर जो SaaS स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन को इफेक्ट करती है वो है इंडस्ट्री टाइप, कॉम्पिटिटर्स प्रोफाइलिंग। अगर उस इंडस्ट्री में 6-7 और बड़े प्लेयर हैं तो ये आपके वैल्यूएशन को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। एंड फाइनली, क्लाइंट का स्टेचर, आपके पास बड़े ब्लू चिप्स क्लाइंट है तो ये आपके वैल्यूएशन को ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। अब आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स पे। अगर आप अपना ब्रांड का एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे बोट, मामा अर्थ, पेपर बोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर आपका मंथली रेवेन्यू 5 लाख के आसपास है यानी एनुअल रेवेन्यू 60 लाख, तो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 2x से 4x हो सकता है आपके एनुअल रेवेन्यू का, यानी 1.2 से 2.4 करोड़ के बीच में। वहीं पे अगर आपका मंथली रेवेन्यू 30 लाख के आसपास है, यानी आपका 3.6 करोड़ का एनुअल एवरेज रन रेट है, तो ये वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, ये 4x से 8x के बीच में माना जाएगा, बिकॉज ये इन्वेस्टर्स मान लेते हैं कि आपकी कंपनी एक लेवल पे एस्टैब्लिश हो चुकी है और आपको 13 से 25 करोड़ के बीच के वैल्यूएशन के बीच में फंड मिल सकता है। कुछ और फैक्टर जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप के वैल्यूएशन को इफेक्ट करती है वो है नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन, ज्योग्राफिकल रीच। अगर आपकी कंपनी का रेवेन्यू एक ज्योग्राफी से आता है तो आप इसका ये मतलब होगा कि आप उस ज्योग्राफी में स्ट्रांग है और आपका वैल्यूएशन ज्यादा माना जाएगा। इनके सेल्स चैनल कौन कौन से है ये भी आपके वैल्यूएशन को इफेक्ट करेगा। ऑफलाइन सेल्स चैनल का वैल्यूएशन के लिहाज से ज्यादा महत्व माना जाता है। अगर आपकी कंपनी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रही है, जैसे उड़ान एक्सेट्रा, तो उसका डिस्कशन हम एक अलग से वीडियो में करेंगे, उसका एक अलग ही थ्योरी चलता है। अब आते हैं लास्टली ऐसे स्टार्टअप्स पे जो सर्विस ऑफर करती है, जैसे अर्बन क्लैप, रिविगो जो लॉजिस्टिक सर्विस ऑफर करती है एक्सेट्रा। इन स्टार्टअप्स का मंथली रेवेन्यू अगर 5 लाख के आसपास है यानी एनुअल रेवेन्यू ऑफ 60 लाख, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 1.5x से 3x के बीच में हो सकता है, यानी 1 करोड़ टू 2 करोड़। वहीं पे अगर इन कंपनीज का मंथली रेवेन्यू 30 लाख के आसपास है, यानी अबाउट 3.6 करोड़ का एनुअल एवरेज रन रेट, तो इनका वैल्यूएशन 3x से 6x ऑफ देयर एनुअल रेवेन्यू, यानी 10 से 20 करोड़ के आसपास के बीच में हो सकता है। कुछ और फैक्टर जो प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड कंपनी के वैल्यूएशन को इफेक्ट करती है
वो है अगेन नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन, कॉम्पिटिटर्स प्रोफाइलिंग एंड कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन. प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड स्टार्टअप का अगर कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा है तो उसका वैल्यूएशन कम माना जाएगा, बिकॉज ये मान लिया जाता है कि ऐसे स्टार्टअप्स को एक्सपैंड करने के लिए ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ती है. तो आज के इस डिस्कशन को हम लोग समराइज करते हैं. डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, अगर आपका मंथली रेवेन्यू 5 लाख के आसपास है तो SaaS प्रोडक्ट का वैल्यूएशन 7 करोड़ के आसपास होगा. अगर आप एक ब्रांड बेच रहे हैं तो इसका वैल्यूएशन अबाउट 1.8 करोड़ होगा, और अगर आपकी सर्विस है तो ये 1.5 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होगा. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा हो. अपने क्वेश्चंस आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड कीप ड्रीमिंग. थैंक यू.